Good morning, students. How are you all? I hope you all will be fine. So welcome back to your English class. So as in previous class, what we have done? We have done lesson number nine, the uh, brave Debbie. Right? Name of the lesson was brave Debbie, and we have done some exercises of it. Right? Now, come to page number ninety-four. Now let some do grammar section. Okay. फॉलोइंग सेंटेंस इज द मंकी इज ऑन द बॉक्स राइट तो इसमें क्या है लेसन लाइन में क्या लिखा है इस सेंटेंस में क्या लिखा है द मंकी इज ऑन द बॉक्स मंकी कहा बैठा है बॉक्स के ऊपर है राइट ऊपर मीन्स ऑन ऑन द टेबल ऑन द बॉक्स द फेस आर इन दौट फीस कहा है पॉन्ट में है ठीक है पौंड के अंदर है फेस राइट तो वट वी आर यूजिंग इन है ना इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं इन यूज कर रहे हैं हियर द ऑन एंड इन टेल यू वेयर द द मंकी एंड आर मतलब ये बता रहे हैं कि ऑन ऑन मतलब मंकी कहा है बॉक्स के ऊपर बैठा है और फिश कहाँ है पॉन्ड के अंदर है राइट दे विल टेल दे टेल यू अबाउट देयर पोजिशन आपको पोजिशन के बारे में बता रहे हैं कि मंकी कहा है फिश कहाँ पे है ठीक है ओके इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अंडरलाइन दर्ड दैट शो द पोजिशन ऑफ थिंग्स वन हैज बीन डन फॉर यू द बुक इज ऑन द टेबल बुक कहा है टेबल के ऊपर है ठीक है तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है ऑन ऑन मीन्स ऊपर सेकेंड वन द एपल्स आर इन द बास्केट एप्पल कहा है बास्केट के अंडर है राइट सो वी आर यूजिंग इन ठीक है द ड्रम इज अंडर द टेबल ड्रम कहाँ है टेबल के अंडर अंडर मतलब नीचे रखा है देयर इज अ हाउस बिहाइंड हिल हिल मतलब ये पहाड़ी छोटी पहाड़ी है छोटी सी और ये घर क्या है उसके पीछे है तो पीछे के लिए क्या यूज करते हैं बिहाइंड राइट नाउ द वेल इज नियर द हट नियर नियर मतलब पास है ना नियर का मतलब क्या होता है पास तो ये जो वेल well है वो किसके पास है घर के पास है ओके नाउ कम टू पेज नंबर नाइन्टी फाइव लुक एट दिक्चर्स गिवन बिलो पिक्चर गिवन ब्लो कम्पलीट देंटेंस यूजिंग दर्ड गिवन इन द बॉक्स राइट हेयर टू यू लाइक ऑन इन नियर अंडर बिहाइंड ठीक है तो ये सब चीजें क्या बताती है आपको कि पोजिशन किस, किस चीज की पोजिशन कहाँ पे है वो किस चीज के मतलब कोई भी चीज है वो ऊपर है या नीचे है पास में है दूर में है पीछे है आगे है तो उन सब चीजों के लिए ये वर्ड्स हम यूज करते हैं राइट द क्वेश्चन आर डेज द सोफा क्वेश्चन क्वेश्चन ये जो रखे हुए हैं सोफा के जो आ, ये क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ है ऑन द सोफा सो वी आर यूजिंग ऑन राइट द टॉयज आर डैश द कबर्ड टॉयज टॉयज कहा रखे हैं कबर्ड के अंदर रखे हैं ना तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे इन इन द कबर्ड द लैम्प इज डैश द रॉकिंग चेयर लैम्प लैम्प कहाँ है चेयर के पास में है ना तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे नियर नियर द रॉकिंग चेयर राइट द विंडो इज डैश द सोफा विंडो कहाँ है आप देख रहे हो ना विंडो कहाँ है सोफा के पीछे है पीछे है ना तो वट वी आर यूज वट यू विल यूज योर यू विल यूज योर बिहाइंड बिहाइंड मतलब पीछे ठीक है द बॉल इज डैश द टेबल अब आप दे, देखो यहाँ पे बॉल कहाँ है टेबल के नीचे है ना तो वट यू विल यूज योर अंडर द बॉल इज अंडर द टेबल राइट Now come to page number ninety six. Begin the following with capital letter. Use the colored pencil. ठीक है आप colored pencil use करके ये जो letters given है आपको इनको आपको capital letter में लिखना है ठीक है क्योंकि आप कोई भी sentence लिखते हैं उसका first letter should be in capital letter. तो small w दिया है small m दिया है small d small a small t. What you have to do you have to write these all words in capital letter with एनी कलर्ड पेंसिल विच यू लाइक द मोस्ट ठीक है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कलर उस कलर से आप लिख सकते हो लाइक डब्ल्यू एच ए टी वॉट ठीक है वन आई हैव डन फॉर यू अदर यू विल डू योर सेल्फ ठीक है बाकी आप अपने आप करोगे दिस इज योर होमवर्क नाउ कम टू दिस लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली ठीक है पिक्चर्स देखो कौन सी चीज कहाँ है मतलब कैट कहाँ है बॉय कहाँ बैठा है इसमें देखना क्या है ड्रिंक कहाँ है टेबल कहाँ है वेयर इज द गर्ल राइट नाउ चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड कम्प्लीट द सेंटेंस टू टेल वेयर ईच थिंग एनिमल पर्सन इज आपको करेक्ट आंसर करेक्ट वर्ड चूज करना है और आपको लिखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे मतलब चीज कहाँ है या एनिमल कहा है या पर्सन कहाँ है ठीक है फर्स्ट वन द कैट इज डैश द टेबल एज यू कैन सी वेयर इज द कैट कैट कहा है टेबल के ऊपर है ना तो ऊपर के लिए हम क्या यूज करते हैं ऑन इन नहीं यूज करेंगे इन इनका मतलब क्या होता है अंदर अंदर तो नहीं है ना कैट कहा है टेबल के ऊपर है तो वी विल यूज ऑन ठीक है द जूस इज अब देखो ये जूस कहाँ है ग्लास के अंदर है है ना तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे इन द जूस इज इन द ग्लास जारा इज हाइडिंग डैश द कर्टेन जारा है जो ये गर्ल है ये क्या है कर्टेन कर्टेन मतलब पर्दे के कहा है अंडर तो नहीं बोल सकते ना नीचे थोड़ी है उसके पर्दे पर्दे के पीछे है तो वी विल यूज बिहाइंड शौर्य इज सिटिंग अंडर अ ट्री शौर्य कहाँ बैठा है ट्री के नीचे बैठा है द टेबल इज डैश विंडो टेबल कहाँ है विंडो के नियर है पास है ऑन तो नहीं है ना विंडो के ऊपर तो नहीं है ना पास में है तो वी विल यूज नियर ठीक है द टेबल इज नियर अ विंडो राइट आई होप आपको ये यूजेज uh, मतलब इनके ऑन इन बिहाइंड अंडर नियर इनके यूजेस Uh, समझ में आ गए होंगे राइट सो दिस चैप्टर इज कम्पलीट एंड यू विल डू दिस ऑल वर्क इन योर बुक राइट सो ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय बाय हैव अ नाइस डे बाय